पर उस ओर ध्यान देने वाला कोई न था। हर्ष अपने विशाल सैनिकों का निरीक्षण करते हुए चले। हर्ष अपने निवास पहुंचे और आस्थान मंडप में बैठे ही थे कि प्रतिहार ने उन्हें सूचना दी। देव, प्राग ज्योतिषेश्वर कुमार द्वारा भेजा हुआ हंस वेग नाम का दूत राजद्वार पर खड़ा है, उसे शीघ्र भेजिए। आओ। दूत हंस वेग प्राग ज्योतिषेश्वर देव भास्कर वर्मन की ओर से मैत्री का संदेश ले आया था। हर्ष ने मैत्री स्वीकार की और बहुत से उपहार देकर हंस वेग को विदा किया। आर्य, क्या हंस वेग लेखारक हैं? नहीं, वो राजदूत है। बाण भट्ट ने संचारक और सर्वगत का प्रयोग भी दूतों के लिए किया है, जो संदेशवाहक और गुप्तचर का भी काम करते हैं। हंस वेग के जाने के बाद हर्षदेव ने शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए प्रयाण बराबर जारी रखा कि एक दिन एक लेखारक ने आकर सूचना दी। राजवर्धन की जिस सेना से मालव राज की सेना को जीत लिया था, उन सब को लेकर भंडी समीप ही पहुंच गए हैं। भंडी अकेले ही घोड़े पर सवार कुछ कुल पुत्रों से घिरा राजद्वार पर आया। हर्ष उसे देखकर उठे, उसे गले लगाया और कुछ देर तक दोनों फूट फूट कर रोते रहे। कुछ समय बीतने के बाद देवहर्ष ने राजवर्धन की हत्या का और राजश्री का वृतांत पूछा। भंडी ने सब हाल कहा। राजश्री का क्या हाल है भंडी? देव राज्यवर्धन के दिवंगत होने पर जब गुप्त नाम के व्यक्ति ने कांदिकुब्ज पर अधिकार कर लिया, तो देवी राजश्री कैद से छूटकर अपने परिवार के साथ विंध्याचल के वन में कहीं चली गई। उन्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत से लोगों को भेजा है, पर वे लोग अभी तक लौटे नहीं। अन्य ढूंढने वालों से तुम्हारा क्या मतलब है पंडित? राजश्री को मैं स्वयं ढूंढूंगा। तुम सेना लेकर गौर पर चढ़ाई करो। दूसरे दिन ही हर्ष अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े। राजश्री को ढूंढते ढूंढते एक दिन हर्षदेव गिरी नदी के किनारे बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम पर पहुंचे। देव हर्ष बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से बात कर ही रहे थे कि एक भिक्षु अचानक दौड़ा दौड़ा आया। भगवान भदंत, कोई एक अत्यंत सुंदर स्त्री अग्नि स्नान की तैयारी कर रही है। भिक्षु दिवाकर मित्र हर्ष और सारे सामंत भिक्षु के दिखाए रास्ते पर चलने लगे। राजश्री ने हर्ष से संघ में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, पर हर्ष ने बहन को अनुमति नहीं दी और वे दिवाकर मित्र को अपने साथ लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने स्कंदावर में लौट आए। यहां बाण भट्ट का लिखा हर्षचरित समाप्त होता है। सभी बहनों को हर्ष जैसा भाई मिले और प्रजा को हर्ष जैसा राजा। आर्य, सुना है आर्य बाण भट्ट की सामंतों ने महाराज हर्ष से बड़ी चुगली की थी। सही सुना है तुमने, क्योंकि चापलूस सामंतों की जगह महाराज हर्ष ने अपने पास बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर मित्र और ह्वेन सांग जैसे महान रत्नों को स्थान देना शुरू कर दिया था। हर्ष, इसकी सारी प्रतियों को जब्त करवाइए और उनमें आग लगवाइए। परमेश्वर, आपका प्रिय बाण भट्ट नमक तो आपका खाता है, पर आपका विरोध करने से बाज नहीं आता। वो स्वामी भक्त नहीं है परमेश्वर, दूर कीजिए उसे। ऐसा क्या कर दिया महाकवि ने? देखिए क्या लिखा है सातवें उच्छ्वास में। जब आप अधम गौड़ पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, सैनिक प्रयाण से जनता को कष्ट, जिनकी फसल काट ली गई थी, अपने परिवार के साथ बाहर निकलकर अपने प्राणों को हथेली पर रखकर निडर होकर कह रहे थे, कहाँ है राजा, किसका राजा, कैसा राजा, इस प्रकार लोग सम्राट की निंदा कर रहे थे। आपकी निंदा, परमेश्वर का विरोध, अरे आगे और क्या क्या नहीं लिखा है बाण ने? मैंने पढ़ा है, सही तो लिखा है। क्या परमेश्वर का विरोध नहीं हो सकता? आपके ही चरित में आपकी निंदा। ये कवि और प्रजा, इनका अधिकार है महासामंत। पर इस प्रकार तो तिनका भी सिर उठाने लगेगा परमेश्वर। लोक सेवकों और राज सेवकों के बारे में कोई ऐसी बात कैसे लिख सकता है? कैसी बात? राजद्वार और राजकुल की निंदा सुनिए, बहुत लंबा है पर कुछ सुनाता हूं।
पहले ही जब वह तोरण द्वार के पास पहुंचता है तो द्वारपाल उसे रोक देते हैं और वह बंधनवार के पत्ते की तरह वहीं झूलता रहता है। यही तो होता है प्रजा के साथ राजद्वार पर। आगे भी सुनिए। वहां से दुखी होकर किसी तरह वह राजकुल में प्रवेश कर गया तो दूसरे लोग उस पर टूटकर हिरण की तरह कुटियाते हैं। वो चाहे कुछ भी ना मांगे फिर भी उसे दूर तक फेंक दिया जाता है जैसे धनुष से बाण। डांट फटकार सुनकर भी उसे बंदर की तरह मुंह लाल रखना पड़ता है। हर दिन उसे सबके पैरों में सिर रगड़ना पड़ता है मानो उसने ब्रह्म हत्या की हो। राज सेवक के बारे में सुनाओ परमेश्वर को। राज सेवक ऐसे तपस्वी हैं जो क्रोधित होकर शाप नहीं दे सकते और प्रसन्न होकर कृपा नहीं कर सकते। वह केवल मुंह से मीठी मीठी बात करने वाला नपुंसक है, पीब और मांस से भरा कीड़ा है, नरक है। दूसरों की पैरों की धूल से भरे मस्तक वाला पादपीठ है, लप्पो चप्पो करने वाला नरकोकिल है, मीठी बोली बोलने वाला मोर है, धरती पर सीना घिसने वाला कछुआ है, चापलूसी का कुत्ता है, अपने आप को सिकोड़ कर रखने वाला चूहा है, केवल सिर हिलाने वाला गिरगिट है, वैश्या का शरीर है, सत्व वाले व्यक्तियों में घास फूस है, बोझ ढोने वाले पलंग का पांव है, हाथ की मार सहने वाला कंदुक है। अगर ये राजसेवक के लिए लिखा है तो ये आप पर भी बाण है, चोट है, घाव है परमेश्वर हर्ष। अगर ये घाव है तो ऐसे घाव और बाणों को सहने की आदत शासनकर्ताओं लोक सेवकों को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि प्रजा का दुख हमारे घावों के दुख से बहुत बड़ा होता है। जिस दिन शासन ने कवि लेखक नाटककारों से यह अधिकार छीन लिया उस दिन शासन निरंकुश हो जाएगा। मुझे बाण प्रिय है क्योंकि बाण को सिर्फ सत्य प्रिय। ऐसे थे हमारे महाराज हर्ष। सुशासन के लिए उन्होंने राज्य को कई भुक्तियों में बांटा और न्याय और व्यवस्था के लिए साम्राज्य की यात्राएं प्रारंभ की। वे राजप्रसाद से ज्यादा शिविरों में रहे। वे राज दरबार का हाल जानते थे इसलिए वे लोगों के द्वार तक पहुंचे। वे लोगों की सीधी शिकायत सुनते और उस पर तुरंत फैसला करते। राज्य की आय का चौथा हिस्सा शिक्षा और संस्कृति में खर्च होने लगा। नालंदा महाविहार को उन्होंने 100 गांव दान में दिए। सिर्फ नालंदा को ही नहीं, महाराज हर्ष हर पांचवें वर्ष अपनी निजी संपत्ति अपनी प्रजा को दान में दे देते थे। और एक बार सब दान में दे देने के बाद उनके शरीर पर बस एक वस्त्र रहा, उन्होंने वो भी दान में दे दिया। अपने शरीर को ढकने के लिए उन्होंने अपनी बहन राजश्री से एक वस्त्र की भिक्षा मांगी। आर्य, महाकवि का अंतिम समय आ गया है, वे आपको याद कर रहे हैं। अभी तक भूषण नहीं आया। मैंने सांस को खड़ने से रोक रखा था क्योंकि तुमसे कुछ कहना बाकी था। भूषण, कभी कभी मैं सोचता था कि भीष्म वासुदेव कृष्ण से कई गुणों में महान थे, फिर भी हमारे देश ने उन्हें कृष्ण का स्थान क्यों नहीं दिया? जानते हो क्यों? नहीं तात। भीष्म जीवन भर सिर्फ कुरुवंश और हस्तिनापुर के हित के बारे में सोचते रहे और कृष्ण पूरी मानव जाति और पूरे संसार के हित के बारे में सोचते रहे। व्यक्ति और परिवार से देश और मनुष्यता बड़ी होती है बेटा, और सबको ये बार बार याद दिलाना कवि का काम है। मैं हर्ष की सभा का कवि था,
पर गीत मैं प्रजा के लिए गाता था। केवल कमजोर और मूर्ख राजा ही अपने दरबारियों की चापलूसी से खुश होता है। जो राजा स्वयं को अलौकिक और महामानव समझता हो, जबकि वास्तव में वो नश्वर है, ऐसा राजा अपनी प्रजा से सिर्फ अवमानना ही पाता है। तुम ये हमेशा याद रखना, हो सके तो चारण नहीं बनना, प्रजा का कवि बनना, देश का कवि बनना, राष्ट्र का कवि बनना। कादंबरी पूरी करना। वेनसांग जो एक से अधिक बार हर्षवर्धन के काल में लूटा गया, उसने भारत से लौटते समय भारत का बदला हुआ चित्र देखा और हर्षवर्धन के राज्य व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हर्ष ने ग्राम परिषद के महत्तरों को वेनसांग की वापसी पर साथ जाने को कहा था और रास्ते के हर राजा को वेनसांग की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए कहा था। वेनसांग ने लिखा है कि राजकीय भूमि की आय चार हिस्सों में बटी थी। उसका एक भाग राज्य के खर्च और महोत्सवों और अनुष्ठानिक उपासना के लिए, एक भाग मंत्रियों के वेतन पर होने वाले खर्च के लिए, एक भाग बुद्धिमान विद्वान और प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए और एक भाग सन्यासियों भिक्षुओं के भरण पोषण के लिए खर्च होता था। ऐसा था भारत, वेदों से वर्धन तक का भारत।